हेलो 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 गाइस, क्या हाल है यार? फाइनली हेलो हेलो. आ जाओ गाइस, सबको आने देते हैं, आराम से बातें करेंगे थोड़ी सी आज. या 1 मिलियन फॉलोअर्स गाइस, थैंक यू सो मच, सो 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 मच, लव यू ऑल. आ जाओ गाइस, मैं चाहता हूँ सब आ जाएं आराम से, फिर करेंगे कुछ बातें थोड़ी सी. स्टार्टिंग से थोड़ी एंड तक की जर्नी की बातें करेंगे. आ रही है आवाज वगैरह? आ रही है? सब क्लियर है? बता दो एक बार. सो नंब? या आई वॉज ऑल्सो वेरी नंब उस दिन. ओ माई गॉड. एक सेकेंड, ये नंबर ठीक दिख रहा है मुझे? 62 के. ओके. बस यही जीता है गाइस, यही जीता है. रिस्पेक्ट. थैंक यू यार. ओ मैं नाम से देख लूं, 64 के गाइस. गाइस और भी कोई आपके दोस्त दोस्त हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं, कुछ भी हैं, उनको शेयर कर दो, बुला लो, फिर करते हैं बातें थोड़ी सी स्टार्ट, थोड़ी सी रियल टॉक करते हैं आज. मतलब मैंने सोचा हुआ था अभी, वैसे मैं अपना दोस्त वगैरह सब बिजी था. नमन ब्रो, आई मीन कसौली, इफ यू कैन कम, बहुत मजा आ जाएगा. दिग्विजय, यू आर रियल विनर, यू डिजर्व द विन. थैंक यू सो मच गाइस. मतलब इतना प्यार. एक आ गए सब. क्राइड अ लॉट, क्राइड सो बैड, मैं भी रोया. कोई बात नहीं, रोना डिटॉक्सिफाई हो चुके हैं, आंसू निकल चुके हैं, ठीक है, सही है. मैं भी रोया दोबारा आज देख के, बट भाई मजा आ गया गाइस. सो गाइस, ये जर्नी स्टार्ट हुई थी लगभग 1.5 साल पहले, व्हेन आई वेंट टू रोडीज. बहुत से नॉर्मल लोग देख रहे होंगे, एंड मतलब मेरे को अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई इंस्पायर हो पाता मुझसे, तो कुछ थोड़ी वैसी बातें करेंगे. और भी थोड़ी कनेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है गाइस. कनेक्शन की प्रॉब्लम शो में भी बहुत थी, यहाँ भी बहुत हो रही है. एनीवेज, तो गाइस 1.5-2 साल पहले आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑडिशन. पहले मैंने साउथ अफ्रीका वाला रोडीज था, उसका भी ऑडिशन दिया था. एंड उसके बाद आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑडिशन रोडीज कर्मिया कांड के टाइम में. आवाज वगैरह आ रही है ना प्रॉपर? रोडीज कर्मिया कांड के टाइम में आई गॉट रिजेक्टेड फर्स्ट राउंड में ही. सेकेंड मैं गया था दिल्ली, वहां पे भी मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था अनफॉर्चुनेटली. मेरा फोन वगैरह भी चोरी हो गया था, काफी सीन हुआ था. एंड सब के बारे में मैंने डिटेल में बात की अपने कोर्स में. अगर आप जानना चाहते हो तो आप यू कैन बाय द कोर्स. एंड उसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है, लाइक 1 साल से आई बिन वर्किंग ऑन इट. मतलब मेंटली आई वॉज वर्किंग ऑन इट कि भाई मैं देख रहा था क्या कर सकता हूँ मैं, क्या नहीं, लोगों के लिए कि भाई जिनका ड्रीम पूरा हो सके मेरे थ्रू, है ना. क्योंकि जब मैंने देखा था, जब मेरा सपना था रोडीजा स्प्लिट्स में आने का, तो कोई नहीं था. क्या कहते हैं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ गाइडेंस कहीं से मिला नहीं कि भाई कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं. मतलब सिर्फ इतना पता लगता था कि यहाँ पे ऑडिशन है, यहाँ जाके दे सकते हैं. बट पता नहीं था एग्जैक्टली ऑडिशन में क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या उन्हें चाहिए सिलेक्ट होने के लिए. तो उस चीज़ को लेके मैंने एक कोर्स बनाया है, उसका लिंक मैंने डाला है. नेटवर्क खराब है सचिन, तो भाई अपना वाईफाई बंद कर दो ना, मुझे आराम से लाइव जाने दो, बाहर बैठे वाईफाई पेल रहे हो. तो आई वेंट टू चंडीगढ़, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. दिल्ली गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अब गाइस फेलियर्स के बाद इंसान को लगता है यार शायद मैं इन चीज़ों के लिए बनाई नहीं हूँ. और फॉर एग्जांपल कि मैं दिल्ली के बाद इंदौर नहीं जाता, और दिल्ली के बाद जब मैं इंदौर गया तो मैं दिल्ली से वापस चंडीगढ़ आ रहा था, क्योंकि 4-5 दिन का गैप था इंदौर के ऑडिशंस में रोडीज टाइम में. तो आई केम होम, मैं बस में आया, मेरा फोन वगैरह चोरी हो गया था, तो डैड केम टू पिक मी अप. और पापा को मैंने बताया कि ऐसा हुआ. यूजुअली मैं अपनी इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा अपने अंदर रखता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा शायद. फर्स्ट टाइम आज मेरे आंसू देखे होंगे आप लोगों ने ऑन कैमरा. रोडीज टाइम में बहुत रोया था, बहुत एक्सट्रीम रोया था मैं जब मेरा वोट आउट हुआ था. बट ऑन कैमरा नहीं रोया था, बिकॉज पता नहीं मुझसे नहीं हो पाता कि भाई मैं कैमरे पे रोऊं, क्योंकि वो जो सिंपति वाली चीज़ आती है ना, आई डोंट लाइक इट. मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे किसी की सिंपति लेनी है या ऐसा वाली चीज़ ना. अगर कोई उस नज़रिए से देखता तो मुझे अच्छा नहीं लगता.
हाँ तो उस दिन मेरे पापा ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, तू इंदौर जा। वैसे ऑनेस्टली मैं बताता हूँ, मैं तुम्हें पता है, ऑनेस्टली बताता हूँ, माई डैड वॉज नॉट वेरी सपोर्टिव कि मैं इस साइड जाऊँ, इस जर्नी में जाऊँ, क्योंकि वो उन्हें लगता था, और जो कि बात सही भी थी, कि मैं बिजनेस साइड या उस साइड बेटर कर सकता हूँ और मेरे में वो कैपेबिलिटी है, मैं पढ़ाई में भी ठीक था। बट माई डैड टोल्ड मी उस दिन कि भाई नहीं, तो इंदौर के ऑडिशन देने जाना। एंड आई वेंट टू इंदौर, फिर वहाँ सिलेक्शन हुआ, GD1 क्लियर हुआ, GD2 क्लियर हुआ, आई वेंट टू PI, PI क्लियर हुआ। एंड ऑब्वियसली उसके बाद आधी रोडीज की जर्नी वहां पे। रोडीज में मैं काफी बार रेफरेंस देता हूँ कि भाई रोडीज में ना, मतलब बहुत अकेला हो गया था ये सचिन जो है यहाँ बैठा है। पहले दिन इसने मुझे धोखा दे दिया था, पागल वागल बना दिया था, क्योंकि भाई ये लोग स्मार्ट थे, पहले रियलिटी शोज करके आए थे, इन्हें पता पुता था, आइडिया था, मैं नया नया लौंडा, और 1v all हो गया था पहले ही दिन पे। सारे 16-17 वोट्स मेरे अगेंस्ट आने थे, और हो सकता था मैं उसी दिन निकल जाऊं, बट थोड़ी सी जर्नी मेरी चली आगे, हाफ तक गया। एंड आई कैन प्राउडली से कि भाई जब तक मैं था रोडीज में, मैं था, आई वॉज देयर। जिन लोगों ने उस टाइम फॉलो किया था वो था, बट कहीं ना कहीं जिस दिन मैं निकला उस दिन एक मन में मलाल रह गया था कि यार बहुत कुछ कर सकता था यार, और ये कर सकता था और वो कर सकता था। बट वहां पे बहुत ज्यादा मैं अपने दिल की सुन रहा था, सिर्फ दिल की सुन रहा था, दिमाग तब भी था मुझ में, बट मैं मैं जाट हूँ, मैं वो उस टाइप में कहना नहीं चाहता ये बातें, बट हमारा, मेरे को लगता है ऐसा, हमारे में जो ब्लड है, हम ट्रस्ट बहुत कर लेते हैं लोगों को इजीली। हमें लगता नहीं कि भाई कोई कुछ गलत करना चाहता है या कुछ वैसा करना चाहता है, तो मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट करने लग गया था सचिन वगैरह और सब पे। इन पे यार बहुत से लोग थे, सभी रोडीज वाले, सभी। इनफैक्ट इनफैक्ट लास्ट के 5 दिन रोडीज के तो ऐसे थे, मतलब जब कैमरा कट वगैरह भी होता था तो सारे आपस में मिंगल अप चिल कर रहे होते थे, बट आई यूज टू बी द वन सिटिंग अलोन, बींग विद माई सेल्फ ओनली। और मैं ऐसा इंसान रहा हूँ कि मेरे बहुत दोस्त रहे हैं, मेरे बहुत दोस्त रहे हैं स्टार्टिंग से, आई हैव बिन अराउंड पीपल थ्रू आउट। आज भी बाहर लोग इतने दोस्त आए हुए हैं मेरे, क्योंकि अभी भी ऑनेस्टली मैं, मतलब मैंने सोच रखा था कि भाई कुछ भी हो जाए फिनाले मैं घर वालों के साथ देखूंगा और अपने लोगों के साथ देखूंगा, दोस्तों के साथ, जो जब मैं कुछ नहीं था तब से जो मेरे साथ हैं और जो जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं, तो ये हैं वो लोग। एंड हाँ, तो रोडीज में इट यूज टू बी लाइक लास्ट स्टार्टिंग में मेरी सबसे अनबन हो गई थी। एंड फिर मैं ट्रैवलर में, हम जैसे ट्रैवल करना होता था हमें, हम एक एक प्लेस से दूसरी जगह जाते थे, 6-7-8 घंटे ट्रैवल करना होता था, आई यूज टू सिट इन द फ्रंट सीट एंड मैं किसी से बात नहीं करता था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था मेरा बात करने, क्योंकि मतलब मैंने रियलाइज किया कि भाई यहाँ दिल के साफ लोगों से ज़्यादा लोग यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं, और वो वाली चीज़ है यहाँ पे, यू नो। तो फिर आई रियलाइज कि भाई ठीक है यार, इनका भी गेम है और ये सब चीज़ें। और जब मैं रोडीज में निकला तो कहीं ना कहीं मन में वो मलाल रह गया कि यार बहुत कुछ कर सकता था, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कर सकता था, एंड वो मैं नहीं कर पाया, वो कहीं ना कहीं एक मन में चीज़ रह गई थी। देन स्प्लिट्स हैपेंड, लाइक रोडीज में भी बहुत लोग चांस मिला। मैं ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि भाई उनको ऐसा बहुत ज़्यादा फेवर हुआ, ये हुआ वो, ठीक है यार वो उनका था, उन शो मेकर्स को लगा कि उन्हें फेवर करना चाहिए टू ब्रिंग देम बैक इन द शो, या फिर रोडीज में भी लोग दो दो तीन तीन चांस मिले एंड मुझे नहीं मिला। आई वाज स्टिल फाइन कि ठीक है यार, जो जिसका होता है वो मिलता है, शो मेकर्स हैं, उन्हें पता है शो कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना है, एंड दे नो हाउ थिंग्स गो, तो ठीक है यार, दे आर डूइंग देयर जॉब और मैं अपना काम करूंगा। मैं शो से निकल गया, बट उसके बाद काफी लोगों को चांस मिला, जो इनफैक्ट, मतलब मैं ऐसा कोई उससे क्रेडिट नहीं लूंगा, इवन वाशु, बिफोर माय वोट आउट, जो वाशु हमारे रोडीज करमे खान का विनर था, उसको मैंने वोट आउट करवा दिया था बातें बातें करके और वो सब वाली चीजें करके, बट वहां पे ट्विस्ट आ गया था एंड वो वापस आ गया था गेम में, एंड ही वन द शो। ऑब्वियसली उसने बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस किया आगे और वो सब हुआ। देन रोडीज में मैं जैसे निकल गया था, मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब टूट सा गया था कि यार बहुत कुछ था दिखाने को यार, दिग्विजय यार इतना जल्दी निकलने वाला बंदा ही नहीं है तू। और सबसे ज़्यादा धक्का लगा था मेरी मम्मा को, मतलब मम्मा अब तक 20 स्प्लिट से पहले यही बोलते थे कि मेरे बेटा गलत निकल गया, मेरे बेटा अच्छा कर रहा था शो में, इसको बचाया नहीं, बाकी लोगों को बचा लिया, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो आई होप कि अभी मम्मी को समझ आ रहा होगा कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि भाई सपोर्ट चाहिए आपको किसी ऊपर से लोगों का टू यू नो विन पीपल, या फिर बड़ा बनने के लिए। अगर आप में रियल इंटेंशन है और आपकी प्योर इंटेंशन है ना टू डू बिग इन लाइफ, तो आप वो कर जाओगे, फिर वो मैटर नहीं करता कि भाई कौन साथ दे रहा है कौन साथ नहीं दे रहा है। देन स्प्लिट्स हैपेंड, स्प्लिट्स में
अगेन ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सबसे पहले मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट आया, कहते एक डेटिंग रियलिटी शो है वो स्प्लिट्स का, तो आपका हुआ नहीं ये वाला कर लो. आई वॉज लाइक, मैं कह नहीं, मैं कह नहीं, अगर स्प्लिट्स का हो तो बता देना, वरना मैं किसी और डेटिंग रियलिटी शो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वरना मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूंगा, पैसे कमाऊंगा, मौज करूंगा लाइफ में, घूमूंगा फिरूंगा, क्योंकि मेरे को घूमने फिरने का शौक है, मैं एडवेंचरस हूँ. तो बट इन द एंड में स्प्लिट्स का ही कॉन्ट्रैक्ट आया, बट उन्होंने घुमा के एक्साइल में डाला. तो अब जब एक्साइल में डाल दिया तो ऑब्वियसली आई वाज नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस स्प्लिट्सविला टीम की या मेकर्स की, कि भाई मैं स्प्लिट्सविला में, उन्होंने नहीं लगा मैं उतना कैपेबल, और ठीक है उनके पार्ट पे उन्होंने नहीं लगा दैट इज फाइन. बट मुझे पता था कि भाई, मुझे अपने अंदर सेल्फ बिलीव था कि भाई हाँ, आई नो व्हाट आई एम मेड ऑफ. मेरे को पता है कि भाई देखो मुझे क्या कर सकता है और कैसा इंसान है रियलिटी शोज में. अबे डिकेला क्या सब बोल रहे हो भाई तुम लोग, अभी कुछ नहीं हुआ है भाई ये सब. हाँ तो फिर देन स्प्लिट्स हैपेंड, एक्साइल में आया. आई वाज फर्स्ट डे में इतना प्रेस था जो सेट पे लोग हैं और जो सचिन ने लक्ष्य ने पता है. आई वाज लाइक, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से, मैं बाहर में गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैं रात को बैग लेके भाग जाऊंगा. बट उन्होंने बोला रुक जाओ दो तीन दिन रुक जाओ, यू गो टू स्प्लिट्स वाला ऐसे करे. तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं तीन दिन वेट करूंगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं. हाँ एक सेकेंड, कौन है? मेरा फोन लगा हुआ था यार. हाँ ले ले भाई फोन ले ले. हाँ तो गाइज फिर मैं स्प्लिट्स में घुसा, फिर वहाँ लड़ाई हुई उसी इंसान के साथ जिससे नहीं बनती थी उतनी. थिंग्स हैपेंड, वायलेंस वगैरह हुआ, विच आई एम नॉट एट ऑल प्राउड ऑफ, क्योंकि वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी. एक शो है, अगर इतना ही वो हाथ तपाई और वो सब चीज़ें करनी है तो भाई एमएम फाइटिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए. रियलिटी शोज है, बोल के चैलेंजेस परफॉर्म करके ऐसे दिखाओ ना. तो आई डेंट फील दैट वॉज राइट. फिर धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती गई और आप लोगों का इतना प्यार मिला कि जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी. मतलब इवेंट्स पे जा रहा हूँ या मैं कहीं नॉर्मली भी जा रहा हूँ, मैं भाई शॉर्ट्स टी शर्ट में ऐसे ही निकल जाता था कहीं भी, ऐसे ही सो के उठाऊँ निकल गया हूँ बाहर एकदम नॉर्मली. वहाँ इतने सारे लोग मिल जाते, फिर भाई मुझे ये लोग सुनाते थे क्या भाई तू है अब कुछ, तू ऐसे मत निकला कर कहीं भी. तो फिर मैंने चीज़ें धीरे धीरे रियलाइज करने लगी कि भाई हाँ ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा. ये नहीं कि भाई मैं शॉर्ट्स में नहीं जा सकता है वो चीज़ें, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, क्योंकि रियलिटी शोज में फैंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल दूसरी साइड के कोई फैंस है, अब वो आके कुछ करते हैं ऊपर नीचे चीज़ें, क्योंकि हल्की हल्की ऐसी चीज़ें हुई हैं इवेंट्स में, वो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा. बट कभी भी आपको मैं मिलूं या वैसा हो तो मैं वैसे तो हर एक के साथ मिलता हूं, मैं हो सकता तो बात भी करता हूं इफ़ आई हैव टाइम. तो कभी ऐसा बुरा मत मानना गाइस. एंड फिर हाँ स्प्लिट्स हैपेंड, देन उन्नति के साथ अच्छा चल रहा था, नायरा के साथ, उन्नति के साथ आइडियल मैच में उसी टाइम हटा दिया. आई वाज लाइक ओके कोई नहीं, अब सब एक लेवल पे होंगे. फिर देन नायरा के साथ आइडियल मैच हुआ, मैं फिर वो बहुत टफ हो गई थी सिचुएशंस की, उन्नति को सेव नहीं कर रही थी एंड प्रॉब्लम्स काफ़ी आती रही यार है ना. उन्नति निकली, देन नायरा वहां चली, फिर एक और नया इंसान आया, देन आई हैव टू डू समथिंग. अब मैं शो जीतने आया हूँ, मैं बोल गया हूँ घर पे कि भाई मैं शो जीत के ही निकलूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए. और वहां पे अब मेरे ऐसी सिचुएशन में फंसा दे रहे हैं जहां मेरे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है. वो सो यू नो कहता हूँ मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ, लेकिन जब उन्नति निकली, जब नायरा गई, नायरा उस साइड गई, और जब वो इंसान आया इस साइड, मेरी लिटरली फट गई थी और मेरे बस की कुछ था नहीं उस टाइम पे. मतलब मेरे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है. एंड एक बात काफ़ी क्लियरली, मतलब ये पता नहीं बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए मुझे, वैसे तो मैं खोलने को बातें 100 खोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट दैट पर्सन. बट एक चीज़ मेरे को काफ़ी क्लियर हो गई थी, जब उन्नति भी निकली, जब नायरा को उस साइड भेजा और किसी और के साथ आइडियल मैच बनाया. इन द एंड ऑब्वियसली लव का शो है, दे वॉन्ट लव टू विन एंड लोग भी वही देखना चाहते हैं, दैट इज फाइन. बट आई फील कि काफ़ी क्लियर हो गई थी चीज़ें एंड मेरे को काफ़ी क्लियरली पता लग गया था. बल्कि आपने लास्ट के एपिसोड्स में देखा होगा, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहा हूँ. इवन आई नो मेरे को उस टाइम पता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन टाइम चाहिए तुम्हें इफ़ यू आर इन टू रियलिटी शो, मुझे पता है वो बात. बट स्टिल मैं बोल ही नहीं रहा हूँ. आई वाज लाइक मैं कुछ भी कर लूँ भाई, ये कुछ मेरे सपोर्ट में होगा ही नहीं. इवन अभी वो वीडियोज़ आ रही हैं, एक वो चाहे वो फ्लावर देने वाला टास्क को, रोज देने वाला, उसमें वो टाई हुआ. बल्कि अब जो एक वीडियो निकली है जिसमें क्लियरली किसी को हिंट दिए जा रहे हैं कि भाई कैसे चैलेंज कर ले तो तू निकल जाएगा आगे, हमारे साथ कभी नहीं हुआ है. मेरे को कभी नहीं किसी इंटरनल टीम ने आके बोला कि भाई ऐसे कर ले या वैसे कर ले, क्योंकि प्रॉब्ली दे न्यू कि मैं सुनूंगा ही नहीं
एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि भाई ठीक है भाई, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा, रियलिटी शो है, तुम्हारे तुम्हारे बोलने के चक्कर में मैं वैसा नहीं हूं बोलूंगा या वैसी कोई चीज नहीं करूंगा। और चाटने की आदत है नहीं, चाटने आती नहीं है, तो वो सब चीजें हो नहीं पाती हैं कभी। हाँ तो फिर जितना मर्जी बोल लूं मेंटली स्ट्रांग हूं, जब उन्नति निकली, जब नायरा गई वहां से, आई लॉस्ट इट कि भाई एक चल कर रहा है और एक कर क्या रहे हैं, मेरे सारी गेम मेरे साथ ही खेलनी है, इसके बाद वो, इसके बाद वो। एंड कहीं ना कहीं लगता था कि यार मतलब मैं ऐसा क्या कर रहा हूं, मैं मतलब अच्छा नहीं कर रहा है शो में इनके लिए कि भाई ये हल्का सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। आई वॉज पिस्ड, वेरी पिस्ड कि भाई चल क्या रहा है एग्जैक्टली। फिर देन एक ही चीज थी माइंड में जब उन्नति निकली कि भाई यहाँ चैलेंज जीत, इट वॉज डेफिनेटली निकल गया। इफ यू गाइस सी द होल सीजन प्रॉपर्ली, इवन इफ यू परफॉर्म गुड, दे जस्ट सी बॉक्स, ठीक है यार, दे आर डूइंग देयर जॉब, दे नो बेटर कि भाई कैसे शो बड़ा। अबे शुभी को कॉल कर रही है यार, शुभी अभी लाइव हूं मैं, अभी नहीं कॉल करनी, बाद में कॉल करनी है। और हाँ डीएनडी भी डालो, फिर काफी कॉल करती हूँ। अच्छा हाँ तो भाई जो हमारी फीलिंग्स हैं वो तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, रियलिटी शो में गए थे तो ये चीजें थी। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल, इन द एंड आई एम ग्रेटफुल टू रोडीज एंड स्प्लिट्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, इन द एंड वो उनका शो है, वी कैन एक्सप्रेस आर फीलिंग्स डेफिनेटली। एंड इतना प्यार कि आज 60,000 लोग बैठ के मुझे देख रहे हैं, आई एम ओवरवेल्म्ड सो मच, लाइक मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना ऐसा सीन होगा। और सनी मैम इज स्वीट हार्ट, शी हैड माई हार्ट दैट डे, लाइक भाई इतना तो कट में लगा नहीं है जितना वहां सीन हुआ था। सनी मैम वाज लाइक ईयर बीस पे, दिस इज सो नॉट डन, तुम लोग ये क्या गेम कर रहे हो, मतलब शी टुक स्टैंड फॉर मी इन रियल लाइफ, जो कैमरे पे आया भी नहीं है क्योंकि आ नहीं सकता था। She was like, नहीं दिस सो नॉट डन, दिस गाय हैज गिवन एवरीथिंग टू द शो, फ्रॉम टो टू हिज लास्ट हेयर, ही हैज गिवन एवरीथिंग, शी टुक माई स्टैंड सो फर्मली, बट आई न्यू कि भाई जो हो चुका है वो हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। बल्कि सनी मैम मुझे समझा रही है कि आफ्टर दिस यू गो एंड टॉक टू देम, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज सो नॉट डन, है ना। तो मैं कह रहा हूँ सनी मैम, मैं कहा मैम इट्स फाइन, मगर इट्स अ गेम, मतलब मेरे मन में ही चला, मैंने सिर्फ इतना बोला इट्स फाइन, तो मेरे को उन्होंने जोर से पकड़ा, दिग्विजय इट्स नॉट फाइन, लाइक भाई मुझसे ज्यादा गुस्सा तो ये हो रखी है, क्योंकि आई न्यू कि भाई गेम में जो चीज हो चुकी है पहले, क्लियरली हमें बताया गया था कि भाई कोई लेके जाएगा तो साथ वाला भी निकलेगा। एंड हाँ व्लॉग मैंने डाला है उसमें काफी चीजें बताई हैं, बट कुछ और बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ, अब रिवील करते हैं थोड़ी सी बातें बढ़िया वाली। तो गाइज फिनाले के टाइम में डेफिनेटली आई न्यू कि वहां पे खड़े होने के बाद कुछ चीजें ऐसी हुई, देन आई न्यू कि भाई हाँ कशिश वो लिखेगी, आई सॉर्ट ऑफ न्यू, मतलब मुझे लास्ट मोमेंट तक पता लग गया था, बट स्टिल मैं गया यार क्या पता इसका माइंड लास्ट मोमेंट चेंज हो जाए और ये क्या पता लिख दे फिनाले और मैं फिनाले खेल रहा हूं, क्या पता, क्योंकि यार 5 लाख ना आई डोंट फील कि 5 लाख के 5 करोड़ भी होते यार, जेन्युइनली सेल्फ रिस्पेक्ट और वो अपने अंदर से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, और जो बात मैंने अपने मॉम डैड को बोली हुई थी कि भाई जीत के आऊंगा शो, टेंशन मत लो इस बार, रोडीज तो नहीं जीता बट इस बार जीतेंगे, मतलब अपने मन को बोला हुआ था सबसे पहले, तो मैं अपने मन को क्या जवाब देता है कल को भाई 5, 7, 8, 10, 15 साल बाद मैं देखता दिग्विजय को वापस कि भाई अरे आओ मम्मी आओ, क्या ये देखो भाई मम्मी जी, हेलो गाइस, मम्मी खाना देने आई है, खाना नहीं खाना बहुत टाइम से, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत ज्यादा, मम्मी थकी हुई है नींद में। ये भाई 5 लाख 10 लाख ये चीजें खरीद सकते हैं क्या, पर खाना नहीं खाया, मैं काम वाम में लगा हुआ हूँ, साइट वगैरह का इतना काम कर रहा था मैं अपनी, गाइस साइट चेक नहीं किया तो जरूर जाके कर लेना साइट चेकआउट, बहुत मेहनत लगी है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया मैंने उसमें, काफी हद तक मैंने शूट कंप्लीट कर दिया, एडिट वगैरह में है प्रोसेस, अभी कुछ मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे, आई गेस अभी एक मॉड्यूल हुआ है अपलोड, मैं चेक करूंगा और मॉड्यूल आपको मिलेंगे,
अगर आपका भी सपना है रोडीज या स्प्लिट्स या रियलिटी शो में जाने का, तो भाई देख लेना और ले लो कोर्स. एंड अभी लिमिटेड टाइम के लिए मैंने ऑफर किया है, क्योंकि आई न्यू कि भाई बहुत चाहने वाले हैं. तो अभी लिमिटेड टाइम के लिए कुछ ऑफर चल रहा है. दी गैंग कोड भी आप यूज कर सकते हो साइट पे फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. उसके बाद प्राइजेस मैं उतने रखूंगा जितना मेरे को लगता है उसकी रियल में वैल्यू है, और फिर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि भाई पैसे नहीं, हमारी वैल्यू होनी चाहिए. कोई खरीदे चाहे ना खरीदे, उतने पैसे हो जाएंगे उस टाइम पे कि भाई इतने तो चाहिए. भाई ये देखो भाई, बाहर चल रही है मॉल फुल पावर. भाई 1 million कॉन्ग्रेट्स गाइज. ऑनेस्टली बताता हूँ, जब मैं शो करके निकला आई वाज लाइक, मैं दोस्त से बात करूं, मैं कहा 6-7 lakh फॉलोअर्स हो जाए मजा आ जाएगा जेन्युइनली. उसके बाद जब 5 lakh इतनी स्पीड में हुए, आई वाज लाइक देखो जे ऑल आउट 1 million ऑल आउट गाइज. 70,000 पीपल वॉचिंग, क्रेजी यार. आई डोंट नो व्हाट आई हैव डन टू डिजर्व सो मच ऑफ लव. मतलब अबे डिकी यार, लव यू यार, आई विश यू वर हियर यार. कोई नहीं, मिल रहे हैं जल्दी मिल रहे हैं. कल आ रही है ना मुंबई, आई सी यू. बाकी गाइज कोर्स जो मेरा सपना था, मतलब अगर मैं रूडी स्प्लिट्स ना भी करता तो मेरा डेफिनेटली एक टाइम पे मन था जब मैं या तो बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है कुछ बन जाता, तब मैं कोर्स अपना रिलीज करूंगा. क्योंकि आई फील कि भाई खुद तो तुमने कर लिया, बट लोगों को भी जो तुमने सीखा अपनी लाइफ में, अगर तुम सिखा सकते हो और इंस्पायर कर सकते हो लोगों को, तो दैट इज द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग. अगर किसी इंसान की लाइफ चेंज कर सकते हो आप कुछ बोल के, कुछ उनको मोटिवेट करके, तो इससे बड़ी चीज आई डोंट फील की कोई हो सकती है. तो कोर्स चेकआउट जरूर करना, मतलब आई ट्राइड माई बेस्ट. आगे और भी उस पर थोड़ा सा काम बचा है, स्क्रिप्टिंग वगैरह डन है, शूट्स वगैरह होने हैं. ऑनेस्टली गाइज बहुत बिजी स्केड्यूल चल रहा था, स्पेशली अपना काम वाम छोड़ के मैंने दिन निकाला इसके लिए. मैं कहा एक कोर्स करना है भाई, ये कोर्स निकालना है, चाहे जो मर्जी हो जाए तू छोड़ काम वाम. और मेरा दोस्त सिद्धांत, उसने काफ़ी हेल्प करी साइट वगैरह और वो सब डेवलप करने में, क्योंकि मैं नहीं कर पाता भाई अकेले काम, बहुत मुश्किल हो जाता. 10 lakh पैसा, 10 lakh जेन्युइन फैंस. अरे 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 सक्षम मेरे भाई. गाइस जो अच्छा मैंने शो में किया, जो मास्टरमाइंड और वो वाले टैक्स मिले, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू दिस गाय सक्षम राज. ही इज माय फ्लैटमेट इन मुंबई, एंड उसके साथ बहुत डिस्कशंस हुई है मेरी स्प्रिट्स को लेके और बाकी सब चीजों को लेके. भाई आज मजा आ गया इतने. What are you eating? Guys, मम्मा कुछ मशरूम का दे रही है, मशरूम कैप्सिकम ऐसा कुछ. और गाइज फिनाले से एक रात पहले मैं बताता हूँ मेरे माइंड में क्या रन किया. मैं कहा यार ये ब्लफ तो कर रही हो सकती है, काफी चांसेस है कि ये ब्लफ कर रही होगी, मेरे को जनरली ऐसा लगा. बट मैं बैठ के सोचा, रात को सोने से पहले ये अपनी फीलिंग्स बताता हूँ फिनाले से. मैं कहा यार ये इंसान अगर 1 lakh रुपए रेंट भरती है मुंबई शहर में, तो 10 lakh रुपए कुछ नहीं है यार. मेरा अब भी रेंट 20,000 है, 22-23,000 समथिंग अब भी. और जबकि मैं ले सकता हूं बहुत वो, लेकिन जो इंसान 1 lakh रुपए रेंट दे सकता है अपने फ्लैट का, उसके लिए 10 lakh रुपए बड़ी अमाउंट आई डोंट फील की होगी. तो मेरे माइंड में ये रन किया यार, हाँ यार ठीक है, टाइटल इसके लिए बड़ी चीज हो सकती है. और एक बात डेफिनेटली थी कि एकदम से इसमें इतनी झील कैसे आ गई कि भाई इसको जीतना ही जीतना है, क्योंकि अब तक तो मैंने इसमें वो झील देखी नहीं थी. और बल्कि उन्नति से भी मेरी इस बारे में बात हुई, तो उन्नति का भी वो ऐसा जीतने वाला मोटिव नहीं था. बट व्हेन शी वाज विद मी, तो मैं उसको मोटिवेट करता कि भाई नहीं चैलेंज जीतना, हमें बढ़िया करना है, तभी मजा आएगा, ये होगा वो होगा. तो उसमें वो चीज डल गई थी, उसमें वो आग डल गई थी कि भाई हाँ जीतना है चैलेंज, चाहे कुछ भी हो पूरी जी जान डाल देंगे, करेंगे, जीतना है. तो उन्नति कहती मुझे भी लगा कि भाई दिग्विजय ने मेरे अंदर ये चीज डाल दी थी, तो शायद उसको भी ऐसा हो कि भाई जीतना है टाइप्स वाली चीज. बट वैसा कुछ था ही नहीं एक्चुअली में. अब उसको कुछ भी कह लो भाई, 10 lakh हो जाएंगे भाई खत्म थोड़े से दिनों में, कहाँ जाना है फिर. मेरे पास तो 10 lakh लोग हो गए हैं, व्हाट एल्स.
When are you going to Big Boss? Fans are waiting. Don't know, guys. Don't know. Let's see. पता नहीं अभी अभी honestly मेरी कुछ ऐसी बात बात नहीं हुई है. मतलब कोई ऐसी नहीं है जो confirmed वगैरह आ रहा है, ऐसा कुछ सीन नहीं है. भाई व्यू काउंट देख एक बार दिखी 73 के. आई लव यू बाकी गाइज. दिखी गैंग ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतना ज्यादा प्यार दिया है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है. एंड आई फील सो ओवरवेल्म्ड एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या कर दिया है भाई. मैं तो बस मैं था वहां पे, दिग्विजय था वहां पे, तो ऐसा क्या कर दिया भाई लोगों को कि लोगों के मन में इतना प्यार हो गया, इतना ज्यादा प्यार हो गया कि भाई वो पागल हो रखे हैं. मतलब इतने एडिट्स अब देख ही नहीं पाता हूँ. एक क्या बिल्कुल ही नहीं देख पाता हूँ. मतलब क्रेजी सीन कर दिया यार तुम लोगों ने. मतलब लव यू यार. मतलब दिल से, मतलब जेन्युइनली कई बार मैं बैठ के सोचता हूँ रात को कि यार दिग्विजय ऐसा क्या कर दिया भाई तूने. कितने लोग प्यार कर रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आता जेन्युइनली. मैं कहा भाई दिग्विजय वहां पे जो मेरे दिल में आता है मैं कर देता हूँ, जो मेरा दिमाग कहता है और दिल का कॉम्बिनेशन कहता है वो चीजें मैं कर देता हूँ वहां पे और लोग प्यार करते हैं. तो आई फील कि भाई दिल से जो लोग साफ है ना वो अगर रियलिटी शोज करते हैं तो भाई प्यार मिलता है यार जेन्युइनली. इसी सीजन में देख लो जो जो दिल से साफ थे उन सब लोगों को प्यार मिला यार. एंड ट्रॉफी छोड़ो साइड में. और आज भी मैं रोया देख के एपिसोड. पता नहीं क्यों भाई मैं नहीं रोता हूँ भाई जिंदगी में, मैं नहीं रोता हूँ. मतलब वहां तक मैं रोया नहीं था. मतलब सनी मैम को हक किया वो सब सारी चीजें, मेरी आंख से आंसू नहीं निकले. आंसू मेरे तब निकले जब लक्ष्य ने वो बात बोली कि भाई मम्मी को फोन करके बोलना है कि भाई हाँ मैं स्प्लिटसविला 15 जीत गया हूँ. देन आई लॉस्ट इट. मैं कंट्रोल कर रहा हूँ. कट हो जाए फिर भाई अपनी भड़ास निकाल लूंगा, मैं रो लूंगा आराम से. क्योंकि भाई नहीं मुझे सिंपति चाहिए, मुझे नहीं रोना इस लोगों के आगे. तभी मैं पीछे घूम गया था, मैं कैमरे में मुझे नहीं आंसू दिखाने. आई डोंट लाइक इट. नहीं सही लगता भाई मुझे. हाँ लोग कहते होंगे मैन के नॉल सिख रहा है ये वो, बट मुझे नहीं सही लगता था भाई. इसलिए रोडीज में तो मैं रोडीज अवार्ड वोट आउट हुआ था, मैं पीछे 3-4 कदम मैंने लिया था एंड आई कोलैप्स्ड. मैं बैठ गया जमीन में, पागल हो गया था. आई डिडंट नो वेयर आई वाज. और इतना रोया पौना एक घंटा कि मैं रो के नहीं पाया अपने आंसू. इतना क्रेजी सीन था उस टाइम पे. एंड गाइज एक और चीज, पता नहीं आज स्क्रोल नहीं दिखाया गया इन्होंने. वो यार इन्होंने स्क्रोल नहीं दिखाया ना शायद, ये दिखाया था फर्स्ट रोडीज का स्क्रोल मैंने पढ़ा था, रोडीज कर्मिया कांड का. और मैंने स्प्लिट निमिक को भी कोई स्क्रोल नहीं पढ़ा मेरा. स्टार्टिंग से मैंने सोच रखा था मैं लास्ट स्क्रोल पढ़ूंगा जब फिनाले के लिए जाऊंगा ना, वो वाला स्क्रोल पढ़ूंगा और कोई स्क्रोल पढ़ूंगा ही नहीं. और वो मैंने पढ़ा था, पता नहीं वो शायद आया नहीं आज एपिसोड में. आई फील आया तो पता नहीं, आई डिडंट नोटिस. अगर आया तो भाई मुझे दिखा देना एक बार, बता देना है ना. रोडीज के फर्स्ट स्क्रोल से लेके लास्ट स्क्रोल ऑफ स्प्लिट्सविला. अमेजिंग जर्नी. 1 million, we are 1 million strong guys. Let's go. Bigger things are ahead guys. काफी काम वगैरह कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल नहीं रुक रहा हूँ. ये बहुत से लोग बोलते हैं फेम सर पे चढ़ गया, ये हो गया, कुछ नहीं हुआ ऐसा guys. वैसे ही हूँ. हाँ डेफिनेटली खुशी होती है, एक वो चीज़ है. हाँ भाई थोड़ा कर लिया लाइफ में, डेफिनेटली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. बट वो हवाबाजी वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना. और बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं. कोर्स पे काम चल ही रहा है, कोर्स और आगे अच्छा होता जाएगा. देन यूट्यूब कितना कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं इस स्प्लिट्सविला के सीजन में, इट वॉज टफ. एंड इंस्टाग्राम पे भी अगर देखते हो, रील मैं रुक ही नहीं रहा हूँ. आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू एवरीथिंग आई कैन. एंड एक और बहुत अच्छा एक कल एक शूट करके आया हूँ मैं, वो भी आपको देखने में बहुत मजा आएगा. बिगर थिंग्स आर अहेड. फिर एक म्यूजिक वीडियो भी करी है मैंने, वो आई डोंट नो कब रिलीज होगी कब नहीं. और भी काफ़ी चीज़ें लाइंड अप हैं. बढ़िया हो गया लेवल, मतलब मज़ा आ रहा है. बढ़िया आगे भी काम देखने को मिलेगा. बाकी अभी कुछ है. वेयर इज उन्नति गाइज, बुलाऊँ मैं उनको? बुलाऊँ मैं तो तुमसे बात कर ली. उन्नति है यहाँ? उन्नति लक्ष्य आया? आओ आओ. सचिन कहाँ? सचिन उन्नति बोलना फटाफट, मेरा फोन बंद हो जाएगा, बैटरी भी नहीं है. पावर बैंक है तो दे दो यार, सी टाइप.
अच्छा अच्छा भाई अबे आना चार्जर ले, अबे ये बंद हो जाएगा, कितनी बैटरी है जल्दी की बारी इस वाले रूम में है जिसमें लाइव कर रहे हैं, इसी में तो लाइव कर रहे हैं, अरे जल्दी आ। अच्छा मैं मुझे बोल रहा तो गाइस बाकी सब चीजें साइड में, ट्रॉफी ट्रॉफी है वो, एक ट्रॉफी मेरी ये रही कुछ ट्रॉफी मैंने रियल लाइफ में कमा रखी है जो मेरे दोस्त बाहर बैठे हुए हैं। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, याद रखना जब भी स्प्लिट्सविला X5 का नाम आएगा विनर का टैग किसी को भी पकड़ा देना, एक ही नाम आएगा लिख के ले लो, लाइव रिकॉर्ड कर लेना ये चीज, एक ही नाम आएगा दिग्विजय सिंह राठी, और ये तो स्पेशल X5 है और बड़ी चीज कर रहे हैं, कैसी याद कर रहा। नहीं भाई जेन्युइनली मुझे लगा था कभी शो से मुझे ऐसे जेन्युइन भाई वगैरह मिल जाए, और मेरा भाई सचिन भी आ जाया हुआ है, ये भी भाई एक इतनी तगड़ी इंस्पिरेशन है ना मेरी, मतलब कई बार मैं देखता हूँ भाई, मतलब अभी रिसेंटली भाई मतलब काफी कुछ डिस्टर्बिंग चीजें हुई हैं, और वो ये बंदा उन चीजों से निकल के कैसे हैंडल कर रहा है। हांजी 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 आ गई भाई उन्नति भी आ गई है, डिकेला और अनिकेत और भी लोग होते हैं होपफुली आज, बट एक ही दिन का था सीन क्योंकि कल हम वापस कल चल रहे हैं ना सब मुंबई, कल सब मुंबई चल रहे हैं गाइस। गाइस जेन्युइनली मतलब सचिन, मैं सचिन की दो तीन बातें बोल दूंगा, सचिन की जो अभी लाइफ में हुआ ऑब्वियसली मैं बता नहीं सकता, बट भाई मेरी फट गई थी भाई सुन के, आई डोंट नो हाउ दिस गाइस हैंडलिंग एवरीथिंग और कैसे वो सब कर रहा है भाई, मतलब ये बंदा इंस्पिरेशन है, और जब मैं इसकी बचपन की भी वो चीजें सुनता हूँ ना, इस 17-18 साल का था और मुंबई आया था, और फिर वो वाली बातें भाई मैं सुन के इतना इंस्पायर होता कि भाई क्या क्रेजी स्टोरी है भाई। तो गाइज सचिन अभी इनएक्टिव था इंस्टाग्राम पे कुछ टाइम, जाके प्लीज प्यार दिखा देना सचिन को खूब सारा, क्योंकि ही रियली डिजर्व्स इट एंड ही नीड्स इट राइट नाउ। वैसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया हम सबको, बट जेन्युइनली बस कर भाई रुलाएगा क्या नहीं नहीं भाई, और मैं भी एक चीज बोल देता हूँ गाइज, रोडीज में तुम लोगों ने देखा होगा जो भी हुआ था इसके साथ, आई थिंक ये कहानी रोडीज की नहीं है, मैं एक बताता हूँ कि लोगों को सालों लग जाते हैं इतना प्यार कमाने के लिए, और इसकी सिर्फ एक चीज है ऑनेस्टी, ये जो भी काम करता है, हम लोगों के डेफिनेटली बहुत सारे डिस्प्यूट्स होंगे शो पे, बट जिस तरीके से इसने सीजन खेला है मुझे नहीं पता कि स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में मैंने किसी बंदे को इतना अच्छा करते हुए देखा है जेन्युइनली मतलब ये बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा किया भाई तूने, बहुत अच्छा किया आज तो गाइस, आज क्या मतलब उस दिन भी आंसू आ गए थे, बट आज जो आंसू थे वो खुशी के थे ऑनेस्टली मेरे को, मेरे लिए कि यार ही हैव अचीव्ड समथिंग व्हिच इज बिगर देन अ टैग, और मेरे को नहीं फर्क पड़ता किसी की टैग से, हम मतलब मेरे को क्या मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे नहीं लगता कोई टैग से फर्क पड़ता है, टैग वो होता है जिसे कहते हैं प्यार, वो मिल चुका है, वो बहुत इंपॉर्टेंट मिल चुका है। और भाई एग्जाइल में बड़ा लग रहा था हमको कि यार एग्जाइल में क्यों आ रहे हैं, बट भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, भगवान देख रहा होता है, और इतना बड़ा शो आप लोगों ने बनाया, आप लोगों के प्यार ने बनाया, सो दैट इज सो मच हो चार्ज हो गया, 5% है भाई एक बात बताऊ मैं तुमको, ये हमको छोड़ो भाई, एक बार पापा को मिलना चाहिए सबको, मतलब अच्छा एक पापा मिस्टर ब्रेन यहाँ पर, रियल मिस्टर ब्रेन तुम्हें मैं कांटेक्ट दे देता हूँ, ये कुछ नहीं है मिस्टर ब्रेन यहाँ पर, मतलब जीरो है, जीरो अंकल आओ पापा लाइव ही देख रहे थे, अंकल के सपोर्टर हैं।